कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान ने देश में उत्साह बढ़ा दिया है। यह उत्साह मैं यहाँ भी देख सकता हूँ। पहले चरण में एनडीए और विकसित भारत के पक्ष में मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहाँ अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूँ। मेरा कर्तव्य है कि आपके सामने अपना रिकॉर्ड रखूं। पूरा देश हमारा परिवार है, मुझे अपने परिवार के लिए काम करते रहना है। मैं आपके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। आपका सपना मेरा संकल्प है, मेरा पल पल आपके सबके नाम है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 के लिए मैं 24/7 काम कर रहा हूँ। हमारी सरकार की कल्याणकारी पहलों के सबसे बड़े लाभार्थी एसएससी एसएसटी ओबीसी रहे हैं। फर्स्ट वेव की वोटिंग ने देश का उत्साह बढ़ा दिया है और ये उत्साह मुझे यहां भी नजर आ रहा है। पहले फेज में वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, विकसित भारत के पक्ष में हुई है। साथियों, आज मैं आपके बीच अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मैंने आप सभी को मेरा परिवार माना है। आपके लिए दिन रात मेहनत करने में मैंने कोई कमी नहीं रखी है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम 24/7 फॉर 2047। और इसलिए मैं सच्ची नीयत से सिर्फ योजना ही नहीं बनाता बल्कि गारंटी भी देता हूं।